स्वच्छ और पवित्र बन जाएंगे, कामजीत बन जाएंगे, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी, ऐसा पूछते हैं। तो ऐसा कहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अब जिस प्रकार ये जो दुनिया चल रही है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? क्या ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा, कलह, कलेद, विरोध, मार काट, निर्धनता, निर्दयता, रोग, शोक वाली जो सृष्टि है वो आपको अच्छी लगती है? क्या बेगार और बेरोजगार, शोषण और रेप, सूखा और बाढ़ वाली इस दुनिया में आपका मन लगता है? क्या भीड़ भाड़ और मार धाड़ वाले इस संसार में कुछ समृद्ध और सिख की घड़ियां पाकर स्वयं को सदा के लिए सुखी समझ बैठे हो आप लोग? हम मानता हूं कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, क्योंकि उनका अपना जीवन ही उनको संसार लगता है। क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के ऊंची ऊंची कोठी खड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज भी लोग फुटपाथ पर नहीं सोते। लेकिन उन्हें वो तब अनुभव नहीं होता, लोगों का दुख तब अनुभव नहीं होता, उन्हें जब अनुभव होता है जब उनके पास खुद दुख चला आता है। यह सृष्टि सतयुगी पावन दुनिया की तुलना में तो कांटों का जंगल है। क्या यहां रहना पसंद है? इस जेल का कैदी बनने में खुशी है? क्या यहां के झूठे धंधों में आपका जो चित्त है वो मुदित होता है? यह दुनिया तो चल नहीं रही, बल्कि धक्के से चलाई जा रही है। इसमें सच्चा सुख और सच्ची शांति कहां है, बताओ मुझे? सच्चा सुख और सच्ची शांति तथा संपूर्ण शांति तो सतयुग और त्रेता युग ही में होती है, जब मनुष्य का मन कामाक्रांति नहीं होता, क्रोधावेश से पीड़ित नहीं होता, लोभ लिप्सा की दलदल में नहीं फंसता, मोह की जंजीरों में नहीं जकड़ता, अहंकार के उल्टे नशे में चूर नहीं होता, घृणा और द्वेष की आग में नहीं तपता, हिंसा तथा क्रूरता से अपना अंतर आत्मा का खून नहीं करता। अतः अब पुनः उस युग को लाने के लिए पवित्र बनो और योगी बनो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाबा बन जाओ, आप विवाह ना करो, साधु संन्यासी होकर भस्मे रम लो और भगवा चोला पहन लो, नहीं, ये नहीं बोला है मैंने। मैंने बोला है कि आप लोग पवित्र बनो, कामुकता से निकलो, जो खोखले हो चुके हो उससे निकलो। अगर सफलता और सक्सेस भी मिल गई तो भी कोई फायदा नहीं अगर आप पवित्र और आध्यात्मिक नहीं हो। आप आध्यात्मिक जब बन जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आप पहले किस दलदल में जी रहे थे। काम रूपी विष का पीना और पिलाना बंद करो, क्योंकि इसी से ही दूसरे भी मनोरोग होते हैं जो अशांति तथा दुख के कारण है। इस काम द्वारा सृष्टि नहीं चल रही, बल्कि इस काम ने ही सबका खाना खराब किया है, इस काम ने सब बिगाड़ दिया है, इस काम ने सबको बिगाड़ा है। अब इस महाशत्रु पर विजय प्राप्त करो, ताकि फिर से आप पवित्र बन जाओ और सतयुग के दिन लौट आए और हर जीव में काम मोह और लोभ के बजाय पारस्परिक सच्चा प्यार हो। यही मेरी आपसे विनती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको महसूस करो और जिंदगी को बेहतर जियो। अगर लगे शेयर करने लायक तो इस जानकारी को यहीं तक सीमित ना रहने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा नवयुवक के पास शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।